थ्री मेजर मिस्टेक्स दैट वी डू वाइल शेडिंग एन आई। फर्स्ट, हम बिगिनिंग में आयरिस की डिटेल्स को बिल्कुल ही स्किप कर देते हैं, वहाँ पर बस डार्कर ग्रेड से पूरी तरह से हम ब्लैक कर देते हैं, बट ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आयरिस में आपको जितने भी डिटेल्स दिखे आप ट्राई करो कि आप एक एक हाईलाइट एक एक लाइन्स को अच्छे से ड्रॉ करो टाइम लगाकर, बिकॉज इन डिटेल्स से आपके आईज की ब्यूटी और भी ज्यादा एनहेंस हो जाएगी। सेकंड, एज अ बिगिनर हम यहाँ का पार्ट भी स्किप कर देते, पूरी तरह से व्हाइट छोड़ देते, बट यहाँ पर भी आपको शेडोज एड करने हैं, शेडिंग करना है, जिससे कि आईज में डेप्थ एड होगा एंड इट विल लुक मोर रियलिस्टिक। थर्ड, आईलैशेस। अगर आप आईज को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर अपर एंड लोअर साइड में दो दो लाइन्स होते हैं, जो कि हम बिगिनिंग में स्किप कर देते हैं एंड कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, बट आपको ये लाइन्स भी ड्रॉ करने हैं एज पर योर रेफरेंस। एंड ये लाइन्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आईलैशेस यहीं से स्टार्ट होते हैं, ना कि इस लाइन से। एंड स्ट्रोक्स आपको सिस्टमेटिक वे में नहीं ड्रॉ करना है, बिल्कुल रैंडम एंड फाइन स्ट्रोक्स लगाने हैं इन डायरेक्शंस में। एंड मेक श्योर आपकी पेंसिल बिल्कुल ही शार्प हो, बिकॉज आईलैशेस के हेयर बहुत ही फाइन होते हैं।